अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी के कोफ्ते, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये बनकर रेडी हो जाते हैं। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करें। सालों से रेडी किया है, तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे। तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पर एक कच्ची लौकी ली है, ना ज़्यादा पकी हुई और ना ज़्यादा कच्ची, ये बहुत ताज़ा लौकी हमने इसमें यूज़ की है। लौकी को हमने ग्रेट कर नमक लगाकर इसमें हमने एक घंटे के लिए रख दिया था। लौकी को निचोड़ने के बाद जो पानी रिमूव हो गया था वो हमने इसको फेंक दिया, और ये हमारी लौकी जो है एकदम ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ हमने लिया है एक कप बेसन, और बेसन में हमने हींग जीरा डाल दिया है, और इसको लगातार लो मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे। बेसन यहाँ अच्छे से भुन चुका है, तभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। कोफ्तों में डालने के लिए हमने यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज ली है, और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, और थोड़ा सा हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और ये हमने प्याज ली है जिसको हम पीस लेंगे। अब हम सबसे पहले जो हमारी लौकी को हमने कद्दूकस करके इसका पानी रिमूव करके निकाल दिया था, उसमें हम डाल देंगे बेसन, भुना हुआ बेसन हम इसमें सारा ऐड करते चले जाएँगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। यहाँ 1 टीस्पून लगभग हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के चाट पाउडर। इसे कोफ्तों को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ हम डाले हैं कसूरी मेथी, तो यहाँ 1 टीस्पून में डालिए कसूरी मेथी। यहाँ 1 टीस्पून हम डाले हैं नमक। नमक हमने इसको जो लौकी को हमने ग्रेट किया था उस वक्त हमने इसमें नमक डाला था, तो इसमें हम नमक कम ही डालेंगे। तो यहाँ 1 टीस्पून भरकर हमने डाला इसमें नमक, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा हम यहाँ डालेंगे सरसों का तेल, ताकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। हाथों को हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे हाथों पर, और इसको सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे से कोफ्ते हम रेडी कर लेंगे। मिक्सिंग जार में हम डाल देंगे सारी कटी हुई प्याज, साथ ही डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला। आप चाहें तो इसमें पिसा गर्म मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों का हम एक बना लेंगे स्मूथ सा पेस्ट। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ हमने सभी कोफ्तों को रेडी कर लिया है, अब हम इन्हें कर लेंगे फ्राई। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई का यूज़ किया है, और कढ़ाई में हमने लगभग भर के अच्छे से इसमें ऑयल डाल दिया है। यहाँ हमने सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है, और हमें इसे अच्छे से कर लेना है गरम। ये अच्छे से गरम हो जाएंगे, तभी हम इसमें जो है हमारे ये कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। एक एक करके सभी कोफ्ते हम इसमें कढ़ाई में डालते जाएंगे, और इन्हें हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर कोफ्तों को हम रेडी कर लेंगे, और इन्हें अच्छे से पलटते हुए, और सभी कोफ्तों को हम बहुत एहतियात के साथ पलट देंगे। यहाँ सभी कोफ्तों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए तेल में थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग जीरा डालने के बाद जो हमने मिक्सी में पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें शामिल कर देंगे, और मिक्सी को भी ऐसे पानी डालकर कंगाल कर इसमें डाल देंगे। डालें 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लगभग हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और इन सभी चीज़ों हम यहाँ डालेंगे नमक। नमक क्योंकि हमने कोफ्तों में भी डाला था, तो मसाले में हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, और इन मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तब तक हमें भुना है, तब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। साथ ही हम यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी। यह मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम डालेंगे पानी, पानी हम इसमें ज़रा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे तो सारे कोफ्ते जो हैं इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना है, लगभग 1 गिलास। पानी डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे, ताकि इसमें जो पानी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पानी को बॉईल 10 मिनट के लिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें जब कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ते हमें पानी में डालकर पकाने नहीं है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डालेंगे, तो इसलिए हम इस पानी को अच्छे से पका लेना है। पानी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इसी स्टेज पर हम इसमें जो हमारे कोफ्ते हैं लौकी के डाल देंगे, और 5 मिनट बस सिर्फ हम इसको
पकाना हमें इसे, ज़्यादा नहीं इसमें कुक करना है, हमें इसे चलाना नहीं है, बस ऐसे हल्के से हिला लेना है और 5 मिनट के लिए बस हम इसे लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे। देखिए ये हमारे लौकी के कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसका आप मसाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कोई भी नहीं बता सकता कि ये कोफ्ते हैं हमने कीमे के नहीं बनाए, ये हमने लौकी के बनाकर रेडी किए हैं। ये इतने टेस्टी बने हैं कि जब आप इसे खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे, इतने टेस्टी और मज़ेदार हैं कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप उंगलियां ज़रूर चाटेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।